31 अक्टूबर हम सबके प्रिय सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती और हर वर्ष की तरह रन फॉर यूनिटी के लिए देश का युवा एकता के लिए दौड़ने को तैयार हो गया है। अब तो मौसम भी बहुत सुहाना होता है, यह रन फॉर यूनिटी के लिए जोश को और बढ़ाने वाला है। मेरा आग्रह है कि आप सब बहुत बड़ी संख्या में एकता की इस दौड़ में, रन फॉर यूनिटी में अवश्य भाग लें। आज़ादी से लगभग 6.5 महीने पहले 27 जनवरी 1947 को विश्व की प्रसिद्ध इंटरनेशनल मैगजीन टाइम मैगजीन ने जो संस्करण प्रकाशित किया था उसके कवर पेज पर सरदार पटेल का फोटो लगा था। अपनी लीड स्टोरी में उन्होंने भारत का एक नक्शा दिया था और ये वैसा नक्शा नहीं था जैसा हम आज देखते हैं। एक ऐसे भारत का नक्शा था जो कई भागों में बटा हुआ था। तब 550 से ज्यादा देशी रियासतें थी। भारत को लेकर अंग्रेजों की रुचि खत्म हो चुकी थी, लेकिन वो इस देश को छिन्न भिन्न करके छोड़ना चाहते थे। टाइम मैगजीन ने लिखा था कि भारत पर विभाजन, हिंसा, खाद्यान्न संकट, महंगाई और सत्ता की राजनीति जैसे खतरे मंडरा रहे थे। आगे टाइम मैगजीन लिखता है कि इन सबके बीच देश को एकता के सूत्र में पिरोने और गांवों को भरने की क्षमता यदि किसी में है तो वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। टाइम मैगजीन की स्टोरी लौह पुरुष के जीवन के दूसरे पहलुओं को भी उजागर करती है। कैसे उन्होंने 1920 के दशक में अहमदाबाद में आई बाढ़ को लेकर राहत कार्यों का प्रबंधन किया, कैसे उन्होंने बारडोली सत्याग्रह को दिशा दी। देश के लिए उनकी ईमानदारी और प्रतिबद्धता ऐसी थी कि किसान, मजदूर से लेकर उद्योगपति तक सब उन पर भरोसा करते थे। गांधी जी ने सरदार पटेल से कहा कि राज्यों की समस्याएं इतनी विकट हैं कि केवल आप ही इनका हल निकाल सकते हैं, और सरदार पटेल ने एक एक कर समाधान निकाला और देश को एकता के सूत्र में पिरोने के असंभव कार्य को पूरा कर दिखाया। उन्होंने सभी रियासतों का भारत में विलय कराया, चाहे जूनागढ़ हो या हैदराबाद, त्रावणकोर हो या फिर राजस्थान की रियासतें। वे सरदार पटेल ही थे जिनकी सूझबूझ और रणनीतिक कौशल से आज हम एक हिंदुस्तान देख पा रहे हैं। एकता के बंधन में बंधे इस राष्ट्र को, हमारी भारत माँ को देख करके हम स्वाभाविक रूप से सरदार वल्लभ भाई पटेल का पुण्य स्मरण करते हैं। इस 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती तो और भी विशेष होगी। इस दिन सरदार पटेल को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर स्थापित इस प्रतिमा की ऊंचाई अमेरिका के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से दोगुनी है। ये विश्व की सबसे ऊंची गगनचुंबी प्रतिमा है। हर भारतीय इस बात पर अब गर्व कर पाएगा कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा भारत की धरती पर है। वो सरदार पटेल जो जमीन से जुड़े थे अब आसमान की भी शोभा बढ़ाएंगे। मुझे आशा है कि देश का हर नागरिक मां भारती की इस महान उपलब्धि को लेकर के विश्व के सामने गर्व के साथ सीना तान करके, सर ऊंचा करके इसका गौरवगान करेगा। और स्वाभाविक है, हर हिंदुस्तानी को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने का मन करेगा और मुझे विश्वास है हिंदुस्तान से हर कोने से लोग अब इसको भी अपना एक बहुत ही प्रिय डेस्टिनेशन के रूप में पसंद करेंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कल ही हम देशवासियों ने इन्फेंट्री डे मनाया है। मैं उन सभी को नमन करता हूं जो भारतीय सेना का हिस्सा है। मैं अपने सैनिकों के परिवार को भी उनके साहस के लिए सैल्यूट करता हूं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम सब हिंदुस्तान के नागरिक ये इन्फेंट्री डे क्यों मनाते हैं? यह वही दिन है जब भारतीय सेना के जवान
कश्मीर की धरती पर उतरे थे और घुसपैठियों से घाटी की रक्षा की थी। इस ऐतिहासिक घटना का भी सरदार वल्लभ भाई पटेल से सीधा संबंध है। वे भारत के महान सैन्य अधिकारी रहे स्वयं मानेकशॉ का एक पुराना इंटरव्यू पढ़ रहा था। उस इंटरव्यू में फील्ड मार्शल मानेकशॉ उस समय को याद कर रहे थे जब वह कर्नल थे। इसी दौरान अक्टूबर 1947 में कश्मीर में सैन्य अभियान शुरू हुआ था। फील्ड मार्शल मानेकशॉ ने बताया कि किस प्रकार से एक बैठक के दौरान कश्मीर में सेना भेजने में हो रहे विलंब को लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल नाराज हो गए थे। सरदार पटेल ने बैठक के दौरान अपने खास अंदाज में उनकी तरफ देखा और कहा कि कश्मीर में सैन्य अभियान में जरा भी देरी नहीं होनी चाहिए और जल्द से जल्द इसका समाधान निकाला जाए। इसी के बाद सेना के जवानों ने कश्मीर के लिए उड़ान भरी और हमने देखा कि किस तरह से सेना को सफलता मिली। 31 अक्टूबर को हमारी भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि है। इंदिरा जी को भी आदरपूर्वक श्रद्धांजलि।